नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुटेक में। तो गाइस यार, इन पांच स्टेटस वालों की अब छात्रवृत्ति नहीं आएगी, ये DW से बड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है और स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में बाकायदा बताया था, इवन तो कई सारी स्टेटस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में सिर्फ स्टेटस को दिखाऊंगा और बता दूंगा कि भाई इनकी नहीं आएगी। अभी भी इन छात्रों की छात्रवृत्ति आ सकती है, तो कौन से वो छात्र रहने वाले हैं, इधर वो फ्रेश के हों या फिर रिन्यूअल के, डजन मैटर। वीडियो में अंतलग बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना होगा, और बाकी की आपकी मर्जी। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिस जो है वो जारी हुआ है, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या XYZ जो भी दिया हुआ है 8/4/2022 के क्रम में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत नियमावली के प्रतिधानों के सहित 11वीं 12वीं में 50% मेरिट कट ऑफ एवं स्नातक में 65% के ऊपर वालों की ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है कि भाई 65% से कम वालों की छात्रवृत्ति अब तो एकदम नहीं आएगी, वैसे भी नियम था ये, समझ गए। चलिए, प्रीवियस ईयर में बात हो रही, गत वर्ष की हम बात कर रहे हैं गाइस। आज्ञा से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बलिया की ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। और गाइस, अभी कल वाले वीडियो में बताया था कि कई सारे स्टेटस में ब्लॉक लिखा आ रहा है, तो कई सारे स्टेटस में फंड अनअवेबिलिटी आप लिखा आ रहा है। तो देखिए, ब्लॉक वालों का नहीं आएगा, फंड अवेबिलिटी वालों का नहीं आएगा, रिजेक्ट तो हो चुका है उनका, तो पहले भी चांस नहीं है। इसके अलावा गाइस बता दूं कि अगर इसके अलावा सिर्फ जिनका वेरीफाइड है या फिर जिनका बचा हुआ ऐसे में, उनका छोड़कर बाकी किसी की भी स्कॉलरशिप पाने का आप कोई चांस नहीं है। हाँ, वेरीफाइड वालों का भी एकदम न के बराबर चांस है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ भाई आ सकती है। इस बात को आप समझिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप इज़ नॉट सैंक्शन ड्यू टू दी अनअवेबिलिटी ऑफ दी फंड, यानी कि फंड के कमी के कारण छात्रों को इस सत्र में छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। मगर मेरा सवाल है उन तमाम जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि भाई 175 करोड़ का बजट जब पास हुआ, 175 करोड़ का बजट जब 31 मार्च 2022 की शाम को पास हुआ, तो फिर बजट ख़त्म कैसे हम माने। इसके अलावा हम कैसे मान लें कि भाई 35 करोड़ का बजट अभी OBC के लिए बचा हुआ है, 25 करोड़ का बजट SC के लिए बचा हुआ, तो इवन तो वहीं पे 32 या 55 करोड़ का बजट जो है वो माइनॉरिटी वालों के लिए बचा हुआ। तो फिर आप किस आधार पे कह सकते हैं कि बजट ख़त्म हो गया। आप ये कह दीजिए कि स्कॉलरशिप हम नहीं दे पाए, ये हमारी गलती है, सेशन ख़त्म हो गया, समय गुजर गया, समय वक्त बीत गया, मगर अब यहाँ पे बजट का ब्लेम करेंगे ये तो गलत है। देखिए गाइस, ये छात्रों के साथ मनमानी हो रहा है। कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट को इस बात से समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो शिक्षा के मामले में, शिक्षा से जुड़ी सारी प्रावधानों के मामले में, शिक्षा से जुड़ी सारी वैकेंसी हो, इधर वो किसी प्रकार की योजना हो या फिर कोई भी लाभ हो, इस मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है पूरे भारत के हर एक राज्य के कंपेरिजन में, समझ गए आप बात को। तो भाई कहीं ना कहीं आपको मैं जो भी डाटा प्रोवाइड करता हूँ वो ऑथेंटिक डाटा ही आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। इस बात को लेकर आप लोग कंफर्म हो जाइए। वहीं पे आपको कुछ बातें और भी मैं शेयर करना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने है कि भाई ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फीस कोर्स फीस नॉट वेरीफाइड बाई DW यूनिवर्सिटी अफिलेटेड एजेंसी। तो फालतू के स्टेटस जो है वो अपडेट हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, तो अगले 2 दिनों के अंदर बचे हुए छात्रों का भी स्टेटस अपडेट हो जाएगा। और इस सत्र में जो कुछ भी हुआ, लगातार हम कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे तक कोशिश कर रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक तौर पे आप तक पहुंचाई जा सके। इवन तो कई मरतबा हमने आवाज़ भी उठाई आपके साथ के लिए, सारा कुछ किया, मगर कई लोग साथ नहीं दिए। आप में से कई लोग वीडियो को देख रहे होंगे, 70% लोग सब्सक्राइब तक नहीं किए हैं, तो ये क्या खाक किसी प्रोटेस्ट में साथ दे पाएंगे जो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। समझो बात को, आप बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन रियलिटी यही है मेरे दोस्त, कि अगर आपको कहीं से अगर सच्ची खबर, अच्छी खबर, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, सही इन्फॉर्मेशन आज के समय में कोई नहीं दे रहा है, तो उस दौरान अगर आपको सब्सक्राइब करना था, जुड़ना था, मगर आप लोग नहीं जुड़े, स्टेटस में जब तमाम गलतियां बन रही थी, सुधरवाना था, उस दौरान भी हम लगातार वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों की मदद कर रहे थे। चलिए छोड़िए, बातें सारी पुरानी हो गई, अब क्या किसी को ब्लेम करना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।